तो स्टूडेंट आज हम पी ब्लॉक में इससे प्रीवियस लेक्चर्स में ना आपको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को नोबल गैस सॉरी ये 18th ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैस क्यों कहा जाता है उसके बारे में नील बार्टल एक्सपेरिमेंट एंड फेलियर ऑफ द ऑक्टेट रूल ये दो चीज़ आपको बताई थी। नील बार्टल एक्सपेरिमेंट विशेषकर उसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से। नाउ अगला जो हम इसमें चेक करेंगे ग्रुप नंबर 18 में वो है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। वो होता है इसका NH2NP6 मीन्स के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन इसमें NH2NP6 में प्रवेश करते हैं हीलियम को छोड़कर। हीलियम का होता है NH2 केवल, ठीक है ना। तो हीलियम जबकि एस ब्लॉक का है लेकिन इसको फिर भी हम पी ब्लॉक में रखते हैं क्योंकि इसकी मैचिंग जो होती है वो ग्रुप 18 से मैचिंग करता है, इसके कारण से इसे वहाँ पी ब्लॉक में ही इसको काउंट किया जाता है। नाउ क्वेश्चन भी आता है व्हाई डू वी कीप हीलियम विद ग्रुप 18 की ग्रुप 18 के साथ ही हीलियम को क्यों रखा जाता है ग्रुप 18 के साथ। तो कारण वही है, ठीक है ना, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ यानी इसके गुणधर्म मैचिंग करते हैं उनके साथ अक्रिय गैसों के साथ यानी सॉरी ये नोबल गैसों के साथ। अक्रिय तो कहना अब एक इनके लिए थोड़ा वो होगा, सही नहीं होगा नील बार्टल एक्सपेरिमेंट के बाद। अगला जो हम इसमें इनका गुणधर्म करेंगे वह रिएक्टिविटी यानी कि इनकी क्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता इनकी लेस रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनके अष्टक लगभग पूरे होते हैं तो ये अभिक्रिया सामान्यतया नहीं करते हैं, हैं लेकिन एक जेनॉन को छोड़कर उसने अभिक्रिया करी थी लेकिन वो भी विशेष परिस्थितियों में करते हैं क्रिया, ठीक है ना। जब उनको फेवरेबल सर्कमस्टांसेस मिलते हैं तभी जाके वो क्रिया अभिक्रिया करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इनके एटॉमिक साइज पे कि इनका एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये पूछा जाता है कि वाई मीन्स जो फ्लोरीन का जो एटॉमिक साइज है वो नियॉन से छोटा है, जबकि हम आवर्त में बाहर की ओर जाते हैं आवर्त में हम बाएँ से दाएँ की ओर जाते हैं तो क्या होता है हमारा आकार घटते रहता है, लेकिन इसमें हमारा विपरीत होता है कि जो फ्लोरीन है उसका आकार नियॉन से छोटा होता है तो नियॉन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है। कारण इसका क्या है कि नियॉन में देखो आप इसमें लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसके लास्ट कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन नियॉन में आपके होंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन ही अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन का मतलब अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण, अंतरा इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण बढ़ेगा बढ़ेगा तो उसका आकार बढ़ जाता है, इस कारण से नियॉन का आकार फ्लोरीन से बड़ा होता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला इसमें है आपका पोलराइजेबिलिटी यानी ध्रुवणता। ध्रुवणता का क्रम इसमें हम चेक करना है। ध्रुवणता पहले तो जानते हैं ध्रुवणता होता क्या है। ध्रुवणता का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड यानी जो एटम होता है ना ये एटम है सब एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड में विद्यमान रहते हैं, है ना। कोई फिक्स क्वांटम थ्योरी कहती है ना एक क्लाउड में इलेक्ट्रॉन चारों क्लाउड मतलब मेघ, ठीक हो गया, मेघ के रूप में ये एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रहते हैं। तो इसका डिस्टॉर्शन का मतलब जैसे ही अगर इसके नियर में कोई सपोज ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके नियर में कोई कैटायन आ गया धनायन आ गया तो क्या करेगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इसका जो शेप है वो यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो शेप है वो थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन थोड़ा एक जाए को ज़्यादा आ जाएंगे ना तो ये पोलराइज हो जाता है, आंशिक ध्रुवण इसमें हो जाता है यानी आंशिक इसमें धनायन और ऋणायन बन जाएगी। जैसे ये आंशिक रूप से माइनस डेल्टा एन प्लस डेल्टा ये इसमें चार्ज आ जाएगा, आंशिक चार्ज आ जाता है तो इसी को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। ये पोलराइजेशन हो गया इसका, ध्रुवण हो गया, ठीक है ना। तो ध्रुवण कौन इलेक्ट्रॉन मतलब किस इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में ज़्यादा ध्रुवण होता है, पोलराइजिंग करेक्टर ज़्यादा होता है वही उसकी पोलराइजेबिलिटी को डिसाइड करता है यानी ध्रुवणता को डिसाइड करता है यानी किसमें इलेक्ट्रॉन मेघ का विस्थापन ज़्यादा हुआ है उसका ध्रुवणता उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। तो हम देखते हैं अगर यहाँ पर हम देखें जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है ना जैसे ही आपका ध्रुवणता बढ़ेगी क्या बढ़ेगी ध्रुवणता बढ़ेगी एटम्स की ध्रुवणता बढ़ती है तो फिर उसमें एक चीज़ बढ़ जाती है वो बढ़ जाती है सॉल्युबिलिटी यानी उनकी घुलनशीलता बढ़ जाती है, जल्दी घुल जाते हैं कब जब वो ध्रुवित हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन ध्रुवणता का जो क्रम करता है यानी पोलरिटी जो पोलराइजेबिलिटी जो प्रोपोर्शनल होती है वो साइज़ के प्रोपोर्शनल होती है यानी जिसका जितना बड़ा साइज होगा उसमें पोलराइजिंग करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा यानी ध्रुवण गुण उतना ही ज़्यादा होगा साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है। तो उसमें देखो जब हम ग्रुप में नीचे को जाते हैं ना ग्रुप नंबर 18 में हम जब ऊपर से नीचे को गए तो धीरे 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 हमारा साइज बढ़ता है तो साइज बढ़ेगा तो अपने आप ध्रुवणता का करेक्टर बढ़ता है यानी ध्रुवण बढ़ता है। तो इस कारण से हम देख सकते हैं कि जो हीलियम है वो कम ध्रुवित होगा लेस पोलर होगा और
नीचे को हम बढ़ते जाएंगे तो वो क्या होंगे, ज़्यादा ध्रुवित होंगे। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे क्या कहता है, व्हाई डज सॉल्युबिलिटी राइज डाउन द ग्रुप। जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता बढ़ती है, कारण क्या है, वही है कि उनमें ध्रुवीय गुण हो जाता है, क्योंकि आकार बढ़ जाता है, आकार बढ़ जाता है उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, यानी विक्षेपित हो जाएगा, थोड़ा शेप चेंज हो जाएगी उसकी, इलेक्ट्रॉन एक साइड को जाता है तो उसमें आंशिक रूप से चार्ज आ जाएगा, आंशिक रूप से चार्ज आवेश आवेशित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो ध्रुवित हो जाएंगे, जिस कारण से उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो पोलर करेक्टर यानी ध्रुवीय गुण होने के कारण ही डाउन द ग्रुप क्या होती है, घुलनशीलता बढ़ती जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगली चीज़ें करेंगे। थैंक यू।